स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के मीनिंग्स के व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो स्टूडेंट A knowledge obtained from observations and experiments is called science। वो knowledge जो हम observations and experiments से gain करते हैं उसको हम science कहते हैं। तो firstly we observe and then perform experiment। किसी भी चीज़ को देखने के बाद सबसे पहले हम उसकी observation करते हैं and then perform experiment। For example observation how day and night changes into each other। What is fire and its composition? What is water and its composition? These are all observations। ये सब जो हैं ये सब observations हैं। तो observation करने के बाद हम experiment पे आते हैं। जैसे कि ये तो हमारी third observation थी जो हमने observe किया था कि what is water and its composition। तो water student is a compound or molecule। Water जो है ये compound होता है या मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। सो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। वाटर का जो वन मॉलिक्यूल होता है उसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड science।